पता है क्या, आज से तकरीबन 1 साल पहले मैं बहुत परेशान थी और अकेले बैठकर घंटों रोया करती थी। जाहिर सी बात है, न नमाज पढ़ती थी न कुरान, और अल्लाह से इतना दूर थी, टूट सी गई थी। सारे दरवाजे बंद थे, लोगों के पास मदद के लिए गई, लेकिन मेरे पास मददगार तो क्या, मदद का वादा करने वाला भी कोई नहीं था। लोगों ने मुझसे मुंह फेर लिए थे और मैं इतना रोई। महीनों गुजर गए, फिर मुझे ख्याल आया, मैं सबके पास गई मदद के लिए, लेकिन अल्लाह के पास नहीं गई, जहाँ मुझे सबसे पहले जाना था। तो एक दिन पता है क्या हुआ, एक दिन रोते हुए मैंने रैंडमली कुरान पाक खोला, तो उसमें मेरे सामने सूरह बकरा की आयत नंबर 45 आई, और उसमें लिखा था, सबर और नमाज से मदद लो, बस इतना करना था। और वहीं मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह मुझसे बात कर रहा हो, अल्लाह मेरे सवालों के जवाब दे रहा हो। और उस टाइम से मैंने ये अमल करना शुरू कर दिया और मैं नमाज पढ़ती रही, सब्र करती रही, और इतने महीनों से जो सुकून मैं ढूंढ रही थी ना, वो मुझे नमाजों के ज़रिए मिलना शुरू हो गया। फिर बस दिल में ये ख्याल आता था कि जो मैंने मांगा है वो मुझे मिलकर रहेगा, अल्लाह पे तवक्कल और ज़्यादा हो गया। फिर एक वक्त आया, शैतान मेरे दिल में ये वसवसे डालने लगा और इतना अंधेरा सा महसूस होने लगा, लेकिन मुझे यकीन था इस अंधेरे से ही मेरा रब मुझे निकालेगा। बेशक जिस तरह हर रात के बाद उजाला होता है, और मैं इस यकीन से चलती रही कि जो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकालने पर कादिर है, और जो मूसा अलैहिस्सलाम को समंदर से भी रास्ता निकालने पर कादिर है, तो वो मेरे लिए भी रास्ते बनाएगा। बेशक वो मेरा भी तो रब है। और बाज़ औक़ात मैं ज़्यादा डिप्रेशन महसूस करती थी, तो मैं सूरह दुहा सुन लेती थी। बेशक सूरह दुहा अल्लाह ताला ने जब ही नाजिल की थी जब हमारे हुजूर डिप्रेशन में थे। तो ये सुनकर यकीन करें, ऐसा लगता है कि दिल को सुकून मिल गया और सारा डिप्रेशन चले गया। बेशक सूरह दुहा में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारे परवरदिगार ने ना तो तुमको छोड़ दिया और ना तुमसे नाराज़ी हुआ, और आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से कहीं बेहतर है, और तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें अनकरीब इतना कुछ अता फरमाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। इसी में यकीन करें, 9 महीने गुजर गए और अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। अब अगर सोचूं तो बहुत हंसी आती है मुझे, कभी कभी तो कह के भी लगा देती हूँ कि मैं कितना परेशान थी। वो परेशानी का वक्त भी गुजर गया, सारे मामलात सही हो गए, और जो मांगा था वो सब भी मिल गया, और उससे बढ़कर और भी बहुत कुछ, और मैं अल्लाह से करीब भी हो गई। क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को अपने से करीब करने के लिए कभी कभी आजमाइश देता है कि मेरा बंदा मेरे पास आता है या नहीं, या मेरा बंदा मुझसे ना उम्मीद होता है या नहीं, मुझ पे यकीन रखता है या नहीं। और आप अल्लाह से जैसा गुमान रखोगे, अल्लाह पाक वैसा ही आपके साथ है। और ये मैं नहीं कह रही, ये तो हदीस में आता है कि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा वो मुझसे गुमान रखता है। तो ये सारी बातें कहने का मतलब ये है कि आप अल्लाह से ना उम्मीद ना हुआ करें, अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करता है।
कभी भी अल्लाह से ना उम्मीद होकर नमाज़ें पढ़ना तो ना छोड़ें। सिर्फ वक्ती परेशानी होती है, अल्लाह कोई परेशानी या आजमाइश हमेशा के लिए तो नहीं देता। अल्लाह बहुत रहीम है, बस अल्लाह पर भरोसा रखें और उस पर कामिल यकीन रखें। अगर आपको मेरी बात समझ आए तो इस पर अमल ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करता है। जज़ाकअल्लाह।